नमस्कार दोस्तों, टेकटेक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनुराग शुक्ला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के नए अपडेट्स के बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन्हीं नए इंस्टाग्राम के नए फीचर्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम का पहला अपडेट है कैंडिड स्टोरीज। कैंडिड स्टोरीज एक तरह का सिमिलर है बी रियल की प्लेटफॉर्म की तरह, लेकिन इंस्टाग्राम पर इस फीचर को यूज़ करके आप अपने और अपने दोस्तों के बीच कैप्चर कर सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, या आपके दोस्त आपको कैप्चर कर सकेंगे, एक तरह का स्टोरी की तरह वो शेयर कर पाएंगे। इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको स्टोरीज कैमरा का यूज़ करना होगा और इससे आप कैंडिड बना सकेंगे और आप रिमाइंडर भी सेट कर पाएंगे कि आपको आपका पहला कैंडिड। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको डेली कैंडिड स्टोरीज का नोटिफिकेशन मिले तो आप ऐप के सेटिंग्स पर जाकर आप ऑफ कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड फीचर की, वो है नोट्स। नोट्स एक नया फीचर है इंस्टाग्राम में कि आप 60 कैरेक्टर्स के अंदर आप टेक्स्ट और इमोजी को मिलाकर भेज सकेंगे और आप भी दे सकेंगे उनके नोट्स, आपके फ्रेंड्स के नोट्स भी आप दे सकेंगे। पर अगर आपको किसी पर्सनल फ्रेंड को नोट सेंड करना है तो आप इंस्टाग्राम के बॉक्स पर जाकर अपने फ्रेंड्स को फॉलो करके या फिर आप क्लोज फ्रेंड्स पर जाकर आप इसी नोट को आप भेज पाएंगे। आपको सेंड किया हुआ नोट को जिसको भी आपने नोट भेजा है वो स्टोरीज की तरह 24 घंटे के लिए विजिबल होगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। रिप्लाई के लिए आपको नोट्स इनबॉक्स पर मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड फीचर की, वो है ग्रुप प्रोफाइल्स। ग्रुप प्रोफाइल एक नया फीचर है इंस्टाग्राम ऐप पर। इसे यूज़ करके आप पोस्ट या स्टोरीज को डेडिकेटेड शेयर प्रोफाइल पर भेज पाएंगे अपने दोस्तों को। अगर आपने ग्रुप प्रोफाइल में आपने अपने पोस्ट को या स्टोरीज को शेयर किया, जो आपके जो ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके स्टोरीज और पोस्ट को देख सकेंगे और आपके भेजा हुआ पोस्ट और स्टोरीज अपने प्रोफाइल में वो आपको नहीं दिखेगा। इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप के प्लस आइकन पर क्लिक करके ग्रुप प्रोफाइल को सेलेक्ट करना होगा, तभी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं लास्ट फीचर की, वो है कोलैबोरेटिव कलेक्शंस। दोस्तों, इस फीचर को यूज़ करके आपने अपने सेव पोस्ट को इंस्टाग्राम पर किसी को भी शेयर कर पाएंगे, यानी कि आप चाहें तो ग्रुप पर या किसी भी प्राइवेट चैट पर आप सेव किए हुए पोस्ट को शेयर कर सकेंगे। अगर आपको कोलैबोरेटिव कलेक्शंस पर पोस्ट को सेव करना है तो आप फीड पर सेव करके या फिर आप अपने दोस्तों को डीएम करके वहां से पोस्ट को सेव कर पाएंगे। दोस्तों, यही थे इंस्टाग्राम के 4 नए अपडेट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।